बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से खबरें हैं कुछ, वो आप तक पहुँचानी थी और थोड़ा सा आपसे डिस्कशन भी करनी थी। काफ़ी सारे लोग जो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को लेकर काफ़ी परेशान है, तो एक डिस्कशन भी हो जाएगी आपसे और कुछ चीज़ें हैं वो आप तक रखनी थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि रियल इस्टेट से रिलेटेड वीडियोज जो यहाँ पर अपलोड होती रहेंगी उनसे आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई फायदा जरूर होता रहेगा। नासिक न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अब तक 3 बैलेट जो है वो ऑफिशियली कर चुकी हुई है और इसको लॉन्च हुए लगभग 3 से 4 महीने का ही टाइम हुआ है जो प्रॉपर इसकी लॉन्चिंग हुई है। रिसेंटली हमने 100 डेज की जो डेवलपमेंट है उसका स्टेटस भी देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग हैरान भी हुए कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इतने वास्ट स्केल के ऊपर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने कैसे कर दी है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी रही है मोस्ट रीसेंट टाइम में अगर आप देखा जाए तो, जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें अदर देन इन दिस प्रोजेक्ट वो चलती रही हैं। काफ़ी सारे लोगों ने नेगेटिव कैंपेन्स भी की हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव आपके सामने चीज़ें भी रखी हैं। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली आप अपने जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप इतनी ज़्यादा जल्दी इतना ज़्यादा कुछ एक प्रोजेक्ट से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अब काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं हमारे जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके, कैपिटल स्मार्ट सिटी को लेके, और विदाउट एनी डाउट ये अब एक बेंचमार्क बन चुके हैं ये दोनों प्रोजेक्ट्स अगर स्मार्ट सिटीज़ की बात की जाए। मगर इसके अंदर लोगों ने उस प्रोजेक्ट्स को टाइम दिया हुआ है। स्मार्ट सिटी अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो कमोबेश 2016-17 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, तो देखा जाए 6-7 साल का अरसा हो गया और अब जाके लोग जो है उसके अंदर मुतमईन नज़र आते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके एग्जाम्पल कोट कर रहे होते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें इतना फ़ायदा हो गया और इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं हो सका। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है। अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं और 3 से 4 महीने की प्रोग्रेस की अगर बात की जाए, बिल्कुल फेयर अगर आप बात करें, इसको डिस्कस करें, अगर आप इसमें से किसी भी किस्म की तमाम तर चीज़ें एक न्यूट्रल होकर अगर आप सोचें, अगर आप ये सोचें कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप इस चीज़ को फेयरली आप इसको एनालाइज करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 3 से 4 महीने के अंदर एक प्रोजेक्ट तीसरी बैलेट की तरफ जा रहा है, एक प्रोजेक्ट 100 डेज की डेवलपमेंट आपके सामने शो कर रहा है। ग्लोब पार्क जिसका इन्होंने बेस रखी है अपनी साइट ऑफिस की, जो हेड ऑफिस न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का है, वहाँ की उन्होंने बेस रखी है। ये तमाम तर चीज़ें एक प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस शो करती हैं। उन्होंने इवन ये भी अनाउंस कर दिया है कि अर्ली बर्ड ए के अंदर जो पोजेशन है वो अप्रैल के 31st ऑफ अप्रैल तक इंशाल्लाह वो आपको पोजेशन भी देने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर आप न्यूट्रली इस चीज़ को डील करें, इसको सोचें, तो आपको खुद आइडिया होगा कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने अब तक क्या कुछ अचीव कर लिया है इतने कम टाइम के अंदर। एक खबर आपके साथ ये रखनी थी कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान अर्ली बर्ड ए का मैप रिवील कर रहा है 13th ऑफ दिसंबर को, और उससे आपको ये चीज़ वाजे हो जाएगी कि आपका प्लॉट जो है वो कहाँ पे किस तरह से कौन सी स्ट्रीट के साथ लगेगा। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मेरा प्लॉट है, आप उसको बाकायदा मैप के ऊपर देख सकेंगे। तो एक और पॉजिटिव साइन आपके लिए आ गया। प्लस बी का जो बैलेट हुआ है अभी लास्ट वीक के अंदर, होपफुली आज और कल की डेट में उसके भी रिजल्ट इसके साथ जो है वो होपफुली अनाउंस हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो भी साइट पे उसी तरह से अपलोड होंगे जिस तरह साउथ ए का रिजल्ट जो है वो अपलोड किया गया था। NIC नंबर और आप अपना जो भी फाइल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको डाल के आप जो चेक करते थे और उसके बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट आपके सामने आ जाता था। तो नाज़रीन इंशाल्लाह बी का जैसे ही रिजल्ट आता है, जो लोग हमसे इंटैक्ट है, हम हमारे साथ टच में है, लिंक में है, हम इंशाल्लाह उनको मैसेज के जरिए हमारी टीम उनको बता देगी कि रिजल्ट्स आ चुके हैं। और अगर फिर भी अगर आप मालूम करना चाह रहे हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर्स जो हैं वो मुसलसल स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।